करते हैं तो उसका वीडियो देखना छोड़ दीजिए। अगर मुझे भी पसंद नहीं है तो मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिए, तभी मुझे थोड़ा लंबा होने से ना अनकंफर्टेबल फील होता है। सो खाना की खाजा बोलते हैं, खाजा खाने जा रहे हैं अभी हम। मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जाके चेक करना। जिसने रॉक लामा ब्लॉग चैनल को नहीं देखा है मतलब तो करना होते ना, प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि जो स्ट्रगल करता है उसी को पता होता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। सो प्लीज़ मत कर देना, देखना छोड़ दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है बस खत्म हो जाएगा वहीं पर कहानी। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, ये रहा हमारा यूनिसेक्स जीरो म्यूजिक, देख सकते मतलब पास में ये भाई का घर का पास में ही है। मतलब मियां मैं पहले भी काट चुका था और उस दिन भाई ने भी काटा रहा, सो आज हम भी यहीं पे काटने वाले। इसमें या इसमें कौन सा होगा पता नहीं, शायद इसमें होगा। सो हम बाल काटना, इतना लंबा तो नहीं है मतलब, तभी मुझे थोड़ा लंबा होने से ना अनकंफर्टेबल फील होता है। सो हम काट देंगे। तरीका से हेयर कट कर रहे। सो हमारे भाई वीडियो कर दे रहे हैं तो मेरा सो हम अभी थोड़ा कट करना है। सो स्टेडियम वन आवर लेटर। सो फाइनली हेयर कट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। पैसा देने के लिए सो हेयर कट हो चुका है अभी। मतलब भूख लग रहा है मुझे, एकदम जोरों की भूख लग रहा है। अब हम लोग खाना खाने बाहर जाएंगे। बाहर जुम ना कहते कथा कैसे खाना खाते खाना कहाँ जुम ना कहते कि माथे पुगे जाने कहाँ माथे घर भीतर माथे चढ़ता जाने की हाँ। सो हमारी बहन की एक नई स्टाइल आई हुई है, मतलब यहाँ पे जो मतलब सीधा होता था ना, लेकिन बहन की थोड़ा जिगजैग टाइप की है। मैंने अभी बाल कटाया, बहन ने जिगजैग बना लिया देख सकते हैं आप लोग बिजनेस जिगजैग स्टाइल। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं खाना, मतलब नेपाल में खाना बोलते हैं खाजा खाने जा रहे हैं अभी हम। मतलब जो इवनिंग टाइम है शाम के टाइम में खाते, मतलब डिनर के पहले हम तो खाजा, यहाँ तो खाजा बोलते हैं मतलब पता नहीं।
हम लोग खाजा खाने जा रहे हैं पायोर में। सही है ये यहाँ का व्यू, बाल बाल कटवा लिया, मतलब हिंदी में मुझे बोलने की इतनी, कैमरा में बोलने की इतनी आदत नहीं है, तो मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब आप लोग एडजस्ट करके देख लेना वीडियो। इधर उधर हो रहा है भाई का भी, इधर उधर हो रहा है कभी कभार। सो हम लोग यहाँ पे आए हुए खाजा खाने, लेट्स सी क्या क्या मिलता है। सो ऑलराइट गाइस, हम अभी मतलब ड्यू खाने वाले हैं, माउंटेन ड्यू, मतलब थोड़ा एनर्जेटिक ऐसे हम कुछ काम करने वाले नहीं तब भी हम लोग ड्यू खाएंगे। हमने चाउमीन ऑर्डर किया है, अभी मतलब थोड़ा देर लगेगा, वो अभी बनने वाला है। सो हमारा बाय ड्यू बनने वाला है। इससे क्या होता है ना, मतलब एनर्जी आता है। भाई का आप देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ रिंग अगर ब्रेकअप हो गया तो वो रिंग वापस चला जाएगा। चेस ये एक्चुअली रिंग गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ नहीं है, एक्चुअली इसका मम्मी का जो भाई ने पहन गया है। अगर गर्लफ्रेंड ने भी ये वीडियो देख लिया तब भी प्रॉब्लम, अगर मम्मी ने देख लिया तब भी प्रॉब्लम। सो स्टूडियो हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं, हम जो चाउमीन ऑर्डर किया है वो अभी आया नहीं है, हम लोग अभी ड्यू खा नहीं रहे पी रहे। सो स्टेडियम गाइस, सो हमारी खाजा आ चुके हैं, मतलब आ चुका है, मतलब हिंदी में मुझे बात करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, मतलब ऐसे ही आदत हो जाएगा ना बोलते। सो अभी हम लोग फट से खा लेंगे। सो ऑलराइट गाइस, हम लोग ने खाजा खा लिया है, और मतलब आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं मतलब अभी खाना खाते मतलब खाजा खाते खाते मैंने एक वीडियो देखा है, जो वीडियो था किसका, रॉक लामा ब्लॉग चैनल का। सो उसमें मतलब एक नया वीडियो आया हुआ है, क्या रे गाड़ी आई रहते चालो ए। सो मतलब जिसमें वो वीडियो में मतलब आप लोग मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जाके चेक करना, जिसने रॉक लामा ब्लॉग चैनल को नहीं देखा है, मतलब जो नया है जाके देख लेना। लेकिन वो वीडियो में जो मतलब जो है ना, ऐसा मत कभी करना नहीं चाहिए यार, वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एक यूट्यूबर को ग्रो होने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ऐसा मत करना प्लीज़। हम रॉक भैया को यहाँ से ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं, धीरे 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 माया रॉक दादा है, सुन्न गर्नु होला। ए त्यो भिडियोमा नि मतलब यस्तो गरिदिइरहेको क्या, त्यो हुन्छ नि अगाडिपट्टिको त्यो पुतलो भएको हुन्छ नि बाइकमा, त्यो उकाइदिइरहेको छ क्या, पुरा स्क्रेचहरू गरिदिइरहेको छ, अनि त्यो होटलमा पनि गएर पोस्टहरू पनि त्यो गरिदिइरहेको छ क्या, अनि सिसिटिभी क्यामेरामा चेक गरेर रिस नि अब हेटर्सहरूको त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि त। सो आई रिक्वेस्ट तपाईँलाई होइन एभ्री वान्स, त्यस्तो गर्नु हुँदैन प्लिज, यसो मत गर्न, क्योंकि जो स्ट्रगल गर्दा है उसीको पता होता है कितना स्ट्रगल गर्नु पर्दा है। सो प्लिज मत कर देना, रिक्वेस्ट है आप सभी को, मतलब जो भी करते हैं ऐसा मतलब हेट करते हैं तो वीडियो देखना बंद कर दीजिए, बस खत्म हो जाएगा ना वहीं पर कहानी। ऐसा हेट करने से आप लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, डैमेज करके ना आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, बस आप वीडियो देखना छोड़ दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं है बस खत्म हो जाएगा वहीं पे कहानी, बस हम वही कहना चाहते हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत करना, मुझे भी बहुत खराब लगा, क्योंकि स्ट्रगल करने वाले को पता होता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। सो हम लोग अभी जा रहे घर की तरफ। सो स्टूडियो ये वीडियो मतलब खास इतना लंबा होगा नहीं शायद, क्योंकि मतलब इतने कुछ है नहीं और इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं हुआ होगा, तब भी देख लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो स्टे ट्यून, लेट्स सी क्या क्या होता है, स्टे ट्यून गाइस। 3 hours later. So all right guys, मैं अभी दीदी का घर आ गया, मैं अभी दीदी का घर पे ही हूँ, मतलब उधर आंटी के घर से आज मैं इधर आ गया, कल तक मैं वो मामा घर के बाद आंटी घर, अभी मैं आऊँ दीदी के घर पे, और मेरा इंडिया भी मैं जल्दी वापस जाने वाला हूँ इंडिया, मेरा कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत काम है, उसके बाद ये काम करने के बाद हम शायद 15 अगस्त के पहले मैं वापस इंडिया चला जाऊँगा। सो मैं दोस्त का घर पे था, दोस्त का घर थोड़ा आगे यहाँ से,
तो मैं उधर था, मतलब यहाँ का व्यू उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी लाइट नहीं जल रहा है ना, थोड़ा बहुत तो जला ही है, इसलिए थोड़ा बहुत मतलब अंदर ही हो गया लेकिन नहीं जला रहा है, नहीं तो और अच्छे से व्यू दिखता और ऊपर से रूफ टॉप से अच्छा दिखता है। सो अभी मैं दीदी घर पे हूँ और आप लोगों को एक इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा ये मतलब पता नहीं मेरा वीडियो कितने लोग आप लोग देखते हैं, जो भी जितने भी देखे आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। एक्चुअली ये सही है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ रॉक भैया की, जो रॉक लामा ब्लॉग चैनल पे जो आज वीडियो आया रहा, वो वीडियो देख के मतलब हर यूट्यूबर नहीं बोलेगा हम, मतलब हर स्ट्रगल करने वाला इंसान को एक ही, वो लोग स्ट्रगल करने वाले को पता होता है कि हम कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करके दिन में वीडियो बनाए, रात में एडिट करे, सुबह डाले, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यार। यूट्यूब ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ मतलब बहुत स्ट्रगल करना, आप लोग को देखने में कितना आसान होगा वीडियो बनाया डाल दिया, ये सब इतना ईजी नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सो प्लीज़ जो अभी तक जिसने जिसने नहीं देखा है ना रॉक भैया का वो वीडियो, प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सही में ये अगर गलत होने से भी आई एम मेरा दिल से बोल रहा हूँ मैं, ऐसा करना नहीं चाहिए यार गलत, मतलब मेरा वीडियो ये रॉक भैया का बात मेरा समझ में बोलने के लिए सही है कि नहीं मैं वो बात बोल रहा हूँ, लेकिन तभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए यार प्लीज़। अगर हेट करते हैं तो उसका वीडियो देखना छोड़ दीजिए, अगर मुझे भी पसंद नहीं है तो मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिए, सब्सक्राइब अगर मजबूर में क्या है मेरा दोस्त हो के क्या है या मेरा कुछ फैमिली मेंबर अगर मुझे पसंद नहीं करते तो मेरा भी वीडियो देखना छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मजबूरी में देख रहे या सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग भी। और अगर रॉक भैया को भी ऐसा ही आप लोग हेट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो देखना छोड़ दीजिए, अगर पसंद मुझे पता है रॉक भैया को 99.9% पसंद करते हैं, इसमें नो डाउट कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन जो 1 पॉइंट है ना 0.1% जो है ना वो पता नहीं कहाँ से यार ऐसा होता है यार। और हेटर्स चाहिए भी लाइफ में थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोलता हेटर्स नहीं चाहिए लाइफ में, हेटर्स चाहिए भी थोड़ा बहुत, लेकिन जो रॉक भैया के साथ हुआ है ना वो बहुत गलत हुआ है, बहुत ही गलत, मतलब बहुत दर्द मतलब दुख लगता है यार, ऐसा मत कि ऐसा करना नहीं चाहिए ना, ऐसा करने से क्या होता है आप देखिए, जो अभी रॉक भैया वहाँ पे था वो सिक्किम पे थे वो रॉक भैया, लेकिन अभी नाम कहाँ गया था सिक्किम, मतलब अपना देखिए जहाँ है ना वो एरिया सराउंडिंग ऐसा इन्वायरमेंट का भी नाम खराब हो जाता है। सो प्लीज़ आप लोग का चाहे आप हेट करें लेकिन आपका इन्वायरमेंट का नाम अच्छा करें, मैं यही बोलना चाहता हूँ ऐसा मत करना, प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी व्यूअर्स। हर पता मुझे पता है हर कोई बुरा नहीं हो सकता, हर कोई मतलब हेट नहीं कर सकता, मुझे पता है बहुत, मुझे भी मेरा जितना सब्सक्राइबर है उतना उतना में से सब प्यार करते होंगे और मैं आप सभी को प्यार करता हूँ, इसलिए आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ लव टू रॉक लामा दादा, टू माई ब्रदर्स। और इतना एंटरटेनमेंट ब्लॉग आता है रॉक भैया के चैनल में, आप क्या ही बताऊँ मैं, मतलब देख के ना जितना मूड ऑफ हो जाए ना वो मतलब टंग से ऐसा मतलब कुछ अलग से वाइब्स आता है यार रॉक भैया का वीडियो देखने के बाद। सो त्यही नै भन्न चाहन्छु होइन, यस्तो गर्नु हुँदैन। सो थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ सपोर्टिङ किप लभिङ लभ यु अल, सी यु अन नेक्स्ट ब्लग, बाय बाय, स्टे ट्युन। अब ज्यादातर भिडियो अभी भिडियो हिन्दीमै आएगा, सो या बाई, लभ यु अल।